जयपुर से जेडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मानसरोवर क्षेत्र में सैकड़ों मकानों पर चलाएगा बुलडोजर, सड़क को 100 फीट करने के लिए होगी कार्रवाई। ये बड़ी खबर है जयपुर से, जेडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मानसरोवर क्षेत्र में सैकड़ों मकानों पर चलेगा बुलडोजर, सड़क को 100 फीट करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी सोमू इस वक्त मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए ये मानसरोवर क्षेत्र है और यहीं पर जेडीए की कार्रवाई चल रही है। करीब 250 के आसपास मकान और दुकानें हैं जहां पर जेडीए इस वक्त कार्रवाई कर रहा है और हमारे साथ जेडीए के अधिकारी भी हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या इनके पहले नोटिस दिया गया था? बहुत लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। पूरी विधिक प्रक्रिया अपना के तब ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हीरा पथ से लेकर वंदे मातरम रोड तक 2-2.5 किलोमीटर का रोड है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसके अनुपालना में ये रोड 100 फीट की जा रही है। 251 के करीब अतिक्रमी है जिनको पूरी विधिक प्रक्रिया अपना के और ये विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तो ये देखिए 250 मकान और दुकानें ऐसी हैं जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे आपको साफ तौर पे जो बुलडोजर है वह दिखाई दे रहा है। पहले से ही जो दुकानें हैं जो और मकान हैं उन सब पे जो मार्क है वो कर दिया गया था और उसके बाद से यह कार्रवाई जो है वो सुबह से ही जारी है। और अभी जहां कार्रवाई शुरू हुई है यहां पर तो लोगों ने हल्का फुल्का विरोध जताया है, लेकिन जो ये कार्रवाई जेडीए की न्यू सांगानेर रोड की तरफ बढ़ेगी क्योंकि वो जो इलाका है वहां पर ज़्यादा दुकानें हैं, ज़्यादा मकान हैं और लोगों की भी बड़ी संख्या है, तो उस इलाके में और विरोध हो सकता है। और इसको लेकर के जेडीए की टीम ने अपनी तरफ से सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए हैं। भारी पैमाने पे जो पुलिस जाब्ता है वह तैनात है। जेडीए के अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं क्योंकि स्थानीय लोगों से पहले भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी भी जो कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पर उनका यह आरोप है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और उन्हें जो है वो इस पूरी तरह से जो प्रक्रिया है इसमें उन्हें संवाद में नहीं रखा गया था, ऐसा उन लोगों का आरोप है। लेकिन अभी जेडीए की टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और खासतौर पर जिन मकानों पर पहले से निशान दिए गए थे, और ये आप बुलडोजर देखिए कि अभी ये जो मकान है जिसकी चार दीवारी है इसकी चार दीवारी को अभी तोड़ा जा रहा है और इस पर पहले से भी चस्पा किया गया था और इस पर डिमार्केशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई थी और उसके बाद अब यहाँ पर बुलडोजर के द्वारा इस चार दीवारी को ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी मकान या फिर कोई भी जमीन लेने के बाद पट्टा लेना होता है, चाहे जेडीए का पट्टा हो, नगर निगम का पट्टा हो, उससे वो प्रमाणित होता है कि वह जो पूरा इलाका है वो जेडीए की जानकारी में है और वहाँ पर आने वाले दिनों में जेडीए सुविधाएं मुहैया कराएगा। लेकिन ये जो पूरा इलाका है इसमें जिन लोगों की ज़मीनें थी, जिन लोगों के मकान थे, उन्हें जेडीए की तरफ से पट्टा नहीं मिला था। अवैध तरीके से जो भू माफिया है उन्होंने अपनी तरफ से ये ज़मीनें बेची थी और उसका ही पट्टा इन लोगों को हासिल था, ऐसा जेडीए के अधिकारियों का कहना है। और इसी के बाद अब यह कार्रवाई हो रही है और ये तस्वीरें आप एनडीटीवी राजस्थान पर देख पा रहे हैं। जी मणि,